अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जावेद अरम मोटर साहब कराची चीफ पुलिस हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पिछले जो टाइम गुजरा है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रीट क्राइम के हवाले से बात होती रही और चीज़ें सामने आती रही। हमने भी ये सेफ कराची मूवमेंट यूथ पार्लियामेंट के तहत शुरू की और उसकी वजह एक पॉजिटिव सोच थी कि प्रिकॉशंस आवाम को भी क्या लेने चाहिए और इदारों को भी क्या लेने चाहिए। आपको जो हम देख रहे हैं बड़ा पॉजिटिव रोल है और अभी पिछले खासतौर पर 10 दिन 12 दिन जो बड़े बेहतर भी गुजरे कराची के अंदर, तो हमारे खास तौर पे जो यूथ पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो रिजवान मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जिस तरह हमारे पास यूथ बल्ज है कि हमारी आबादी का ऑलमोस्ट 60% यूथ में शुमार होता है और फ्यूचर भी हमारा यही है एज ब्रैकेट के लिहाज से, तो इन्होंने ही आगे आके मुल्क की आगे जाके भाग दौड़ संभालनी है और हमारा फ़र्ज है कि इनको जितना मोटिवेट करें, इनक्रेज करें और एक जिस तरह आपने खुद कहा और आपने मूवमेंट बनाई है कि सेफ़ एंड सिक्योर शहर कराची मुल्कों के हवाले कर रहे, ये हमारा मकसद होना चाहिए। और जिस तरह आपने देखा कि एक जिस तरह के हालात हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस ये वो पिछले चंद सालों से, तो एक अपसर्ज क्राइम में आता रहता है, आया पूरी सोसाइटी ने महसूस किया, हमने ज़ाहिर है पहले महसूस किया, एक्शन किया, शाइन फोर्स बनाई गई, दूसरी और इकदाम लिए गए, स्नैपचैटिंग के निज़ाम को बेहतर किया और बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा अरेस्ट किए। तो आपने देखा कि जिस तरह आपने खुद कहा कि पिछले 2-3 हफ्तों से आप एक रिलीफ महसूस कर रहे हैं, गो के इसको बेहतर करने की और ज़्यादा गुंजाइश है। इस तरीके से हम इकट्ठे मिलके, दिस इज़ द एज ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, जिसमें सोसाइटी का हर तबका इंडिविजुअली आज़ादाना तौर पे किसी भी मसले को हल करने की सख्त नहीं रहता, ना उसके पास इस्तेदाद है न रिसोर्सेज हैं, इकट्ठे मिलके ही कर रहे। यूथ के लिए भी यही पैगाम होगा कि जी लेट्स वर्क इन अ टीम, टीम स्पिरिट के साथ, टीम वर्क के साथ विथ डेडिकेशन। इस वक्त भी इस मुल्क में, इस शहर में जितना रेट ऑफ रिटर्न है, जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो दुनिया के बहुत ज़्यादा ममालिक में, बहुत ज़्यादा शहरों में आपको नहीं मिलेगी। इसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढना, उनको उनके सामने, बच्चों के सामने पेश करना जो आप भी ये काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात असल चीज़ है एफर्ट और हिम्मत उनको दिलाना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये काम आप कर रहे हैं, वी आर विथ यू, और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि पाकिस्तान का इस यूथ के साथ जो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड मोटिवेटेड है, पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत बेहतर है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और इंशाल्लाह आवाम का मतलब पुलिस के असल जो हाथ पैर है वो आवाम है, आवाम का और पुलिस और मतलब तमाम इदारे जितनी सिक्योरिटी के हैं, हम सब मिलकर ही इस मुल्क को सेफ बना सकते हैं और इस मुल्क में सिक्योरिटी बेहतर कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये तरक्की है, फ्यूचर है, वो उसी सूरत में बेहतर हो सकता है सब हम मिलकर कोऑर्डिनेशन में पॉजिटिव वे में काम करें और जो भी चैलेंजेस हैं उनको सब हम मिलकर जो है इसका सामना करें। सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।